Is this okay? ठीक है, आवाज आ रही है? ये जो क्या बोलूँ, ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, अजय कुमार जी और राजा जी की ये जो फिल्म है, आई एम श्योर सारी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं वो अपने आप को इस फिल्म के साथ बहुत आइडेंटिफाई करेंगे. आई एज अ वर्किंग वुमेन टोटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस फिल्म से. बहुत अच्छी है और जिस तरीके से सटल वे में क्लाइमेक्स में बताया है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को के साथ वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, वो बहुत अच्छा है. आई रियली लव्ड इट. या हाँ, सॉरी, देखिए इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फिल्म का, किसी भी मीडिया का आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर होता है. इसलिए ऐसी फिल्में आएंगी और तो बहुत अच्छा होगा. वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे जो हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो जागरूकता फैली है लोगों के बीच, ये बहुत अच्छा होगा. ऐसी फिल्में और आनी चाहिए और बननी चाहिए. देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिवोल्ट कर रहे हैं. आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, वो नहीं है. आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो इसमें बताया है. उनके साथ बहुत सालों से उनके साथ जान पहचान है और बहुत ही सेंसिबल है, बहुत सेंसिबिलिटी है उनमें इस तरीके के काम करने की. और आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं. ये शुरुआत है, उनसे एक्सपेक्टेशन है राजा जी से बहुत सारी कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बनाएंगे. थैंक यू. बेसिकली इट्स ये जो कहानी है ये एक इट्स अबाउट अ वुमन टू इन सर्च ऑफ हर आइडेंटिटी ऑफ हर अस्तित्व. ये बेसिकली हर इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी वुमन टुडे, एवरी गर्ल टुडे, मैरिड और अनमैरिड. दे आर लाइक मल्टी टास्कर्स. वी ऑल नो गर्ल्स आर मल्टी टास्कर्स, वुमेन आर मल्टी टास्कर्स. वो सबका सबके लिए करती है बट उसके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है. देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड हर ड्रीम्स, हर पैशन, वॉट शी वॉन्ट्स टू डू. शी जस्ट कीप्स डूइंग थिंग्स फॉर एवरीबडी अराउंड हर, सो बी इट फैमिली, सो बी इट फ्रेंड्स, सो बी इट एनीबडी. बट जब बात आती है कि भाई मेरे बारे में भी पूछ लो कि मेरा दिन कैसे गया, मेरे बारे में भी पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ में, तो देर इज़ नो वन टू हियर अबाउट हर. नो वन हु, नो बडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि यार आपकी लाइफ कैसे जा रही है. आप, हमारा काम हो रहा है एज अ वुमन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, नथिंग एल्स. यू कॉन्ट थिंक अबाउट एनीथिंग. तो ये पिक्चर से मैंने ये लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैसेज क्रॉस करना चाह रहा हूँ कि नहीं, वुमेन यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम, इनफैक्ट मैन एंड वुमेन बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर. And should that, वही एक relationship है जो आगे बढ़ेगा. And the woman can do wonders. So you cannot underestimate any woman today. So you know, don't treat them like you know, just ऐसे ही हमने
मेरी बीवी है, सब करेगी काम, नहीं. अंडरस्टैंड हर ड्रीम्स, अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट्स एंड रिस्पेक्ट दैट, गिव हर दैट स्पेस एंड शी विल डू मोर वंडर्स फॉर यू इन लाइफ. सो बेसिकली ये कहानी हर लड़की के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि गो फॉर इट. हमने ये बहुत क्लियर किया है फिल्म में, जो वो बोलती भी है कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक केयर नहीं करूँगी, मैं आप सबका ध्यान रखूँगी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर द हाउस, बट ऑल्सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी. सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू क्रॉस अ मैसेज. दैट्स वाई लास्ट में उसने वो डांस किया, वो कथक किया, बिकॉज वो कथक में शी इज़ टेकन अ डिप्लोमा अर्लियर, बट वो पूरे चीज़ में वो भूल गई थी. लेकिन वो कथक के जो ट्यूटोरियल्स करना चाह रही थी, शी गोज फॉरवर्ड एंड शी गोज फॉर इट, बेसिकली दैट्स हाउ इट इज. सी व्हेन राजा केम टू मी, ही इज लाइक माय ब्रदर, वी नो ईच अदर सिंस मेनी मेनी इयर्स. सो वी डिसाइडेड, बिकॉज यू नो वी इंटरेक्ट विद अवर बेटी, बहन, वाइफ, फ्रेंड, वॉट यू नो एज अ वुमेन. एंड देन स्क्रिप्ट वॉज सो वेल कि वी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस दिस मूवी. इट्स माई फर्स्ट प्रोडक्शन, इट्स माई फर्स्ट प्रोडक्शन. एंड आफ्टर दैट वन थिंग आई रियलाइज कि जो महिला है वो उसको कई फेज से जाना पड़ता है. आई मीन यंग, देन आफ्टर मैरिज एंड पोस्ट मैरिज. सो ऑल दीज थिंग्स एज ए मैन, नो वी शुड टेक केयर ऑफ हर फीलिंग फर्स्ट, बिकॉज महिला है तो हम हैं, अगर मान लो कोई है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से आएंगे. सो दैट्स वॉट अवर मेन कॉन्सेप्ट वॉज कि वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर फीलिंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर यू नो मदर, अवर सिस्टर, अवर वाइफ, अवर फ्रेंड. सो ये इनका फीलिंग के ऊपर बेस था कि वी शुड नॉट इग्नोर एंड वी शुड ऑलवेज नो कि वॉट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनी वुमेन. इफ सी इज गिविंग सो मच टू द फैमिली, फैमिली हैज़ टू गेट बैक टू हर. नहीं, आइडिया तो ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो ये आइडिया तो नहीं है. बिकॉज मैं जो भी मेरे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ, इसके पहले दो बना लिए मैंने जो ऑलरेडी यूट्यूब में चल रही हैं, सब ठीक है करके है, और बेटी करके अभी हाल ही में हमने लास्ट मंथ रिलीज़ किया. तो आई एम वेरी वेरी इंट्रीग्ड बाय वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स. आई लाइक वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, बिकॉज वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत, मैंने ये देखा है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं. बहुत लोग वुमेन के बारे में, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनका स्ट्रगल, उनकी फाइट, उनका एक यू नो अचीवमेंट देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है. लोगों को बड़े प्रोत्साह होते हैं, सब लोग बड़े बड़े इंस्पायर्ड होते हैं. तो ये मैंने हर एक लड़की जो हर घर में है, जो मल्टीटास्कर है, हम हाल ही में देखते रहते हैं. इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक इवन माई वाइफ, इवन शी इज़ अ मल्टीटास्कर. तो बेसिकली द माई मेन इंस्पिरेशन वॉज दैट, बिकॉज मैं मेरी वाइफ को देखता हूँ, सुबह से उठती है, सब कुछ करती है बच्चों के लिए, इसके लिए बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर मेरा देखती है, ब्रेकफास्ट ये करती है, वो करती है, शी डज हर वर्क ऑल्सो. इट्स नॉट दैट वुमेन ओनली इज देयर फॉर लुकिंग एट हाउस हाउस थिंग्स, शी ऑल्सो इज वर्किंग, शी इज़ अ वर्किंग वुमेन. तो ये मैंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी देखा है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसके बारे में एक हल्का सा, छोटा सा एक मैसेज दिया जाए सबको, और थोड़ा इसको ताज़ा करने के लिए, और थोड़ा लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और थोड़ा मैसेज क्रॉस करने के लिए मैंने ये किया. देखो मी टू जो है वो सदियों से पहले से ही था, ऐसा नहीं है, इट जस्ट कम इन इन द मिडिल. इनफैक्ट अपने को इसमें नहीं कमेंट करना चाहिए, वी शुड नॉट कमेंट इन दिस फोरम. बेसिक क्वेश्चन अपने को ये, बिकॉज दिस मूवी इज ओनली यू नो वी आर हेयर टू रिस्पेक्ट वोमेन. एंड जो महिलाएं हैं वो हमारे घर में, मेरी माँ है फर्स्ट, उसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि वो कैसे कैसे पूरा घर को मैनेज कर रही है. उसका उसका कुछ विश होगा. सो दिस ओनली जी, नहीं 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 वो नहीं, नहीं नहीं, ग्रेटनेस ये हुआ है कि महिलाएं हैं तो आप हैं, हम हैं. क्योंकि आप देखिए, कोई भी महिला हो, अगर आपकी वाइफ है
तो उस किस किस फेस से बाहर निकलती है वो अब महिला हो गई समझ सकते हैं। बात ये नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या करेगी और सही कर रही है कि गलत कर रही है, बात ये है कि हाउ मच आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वुमन। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बेटी है तो हम है यस। यार बना जा सकती है ऑफकोर्स, बनी भी है, ऐसा नहीं है बिकॉज मेरी एक फिल्म है जो एक आदमी का भी इमोशन है, हमारी भी इमोशंस हैं, हमारी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है जो मैंने आदमियों पे पूरा बनाया है, मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाई है थोड़ी सी, तो यस वी शुड टॉक अबाउट एवरी फीलिंग एवरी ह्यूमन बीइंग, हर किस्म का रिलेशन यू शुड एक्सप्लोर। या ओके थैंक यू सो मच। हाँ आप जैसे आइडिया शॉर्ट फिल्म्स में लेके आते हैं उनका कमर्शियल सिनेमा में लाना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा जो मेरे को लगता है, तो आर यू थिंकिंग जैसे आजकल सब वेब सीरीज में वेंचर कर रहे हैं, आर यू मतलब थिंकिंग अबाउट दैट आल्सो? सी आई विल टेल यू द रीजन आई मेक द, पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम बना क्या रहे हैं, हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हम वेब सीरीज बना रहे हैं कि हम फीचर फिल्म बना रहे हैं। जब हम फीचर फिल्म बना रहे हैं उसका बॉल गेम, उसके थॉट अलग ही है। बिकॉज आई एम मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड बिकॉज आई एम रिलेटिंग इट विथ ऑन यूट्यूब डिजिटली विच इज़ गोइंग टू बी शोन द एंटायर वर्ल्ड, सो आई हैव टू बी मोर रियलिस्टिक, आई हैव टू क्रॉस अ मैसेज विच आई नो इट विल गो इन एवरी हाउस होल्ड, तो मैं इसके लिए उस चीज़ में स्टिक किया हूँ। कमर्शियली इनका आंसर है तो कमर्शियली डेफिनेटली वी हैव नॉट थिंकिंग अबाउट द कमर्शियल पार्ट, इट्स जस्ट अ सोशल कॉज जो कि हम लोग समाज को देना चाहते हैं, इट दैट्स द मेन, दैट्स आवर ओनली मोटिव बेसिकली, देयर इज नो कमर्शियल एंगल एट दिस मोमेंट। ओके हाय सुमित कैसे हो? Reassuring as in? For the thought you have made for the... Yes. Yeah, yeah, of course. Yeah. Of course. The reason it's getting, by God's grace, it's getting accepted all over the world in festivals, it shows that yes, people are keen and interested to know these kind of films as well. These kind of messages as well. Yeah. Across the globe. Yeah. Sumit, agar aap dekhoonge toh pure, matlab, we have won around 9 awards across the globe. So that means, you know, people are accepting that feeling. हाँ हाँ ऑफकोर्स बिल्कुल करेगा, ऑफकोर्स करेगा, इट अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब ये रिलीज होगी, रिलीज हो, जब लोग देखेंगे ऐसे, क्योंकि कोई चीज़ बिना देखे लोग तो यहाँ रिएक्ट नहीं करते, अब मैं कुछ दिखाऊंगा वो देख के ही लोग रिएक्ट करेंगे ना, थॉट तो सबके दिमाग में है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए वैसे, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए ना वो दिखाने वाला, तो मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि छोटे छोटे वे में कैसे दिखा सकूँ कि भैया ये भी ऐसे भी थॉट होते हैं, लोग ऐसे भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज वी आर रिलीजिंग आज रात को डिजिटली वर्ल्ड वाइड यूट्यूब में 9 o'clock इट विल रिलीज एंड देन लेट्स सी हाउ इट डज एंड हाउ इट गोज, हाउ पीपल गेट रिस्पॉन्स, आप भी बताइएगा अपने फ्रेंड लोगों को कि पिक्चर देखें। बहुत आ रहा है साथ लाभ आना चाहिए और आ भी रहा है बिकॉज मेरे प्रीवियस फिल्म में भी काफ़ी अच्छे व्यूज आए हैं, बहुत वायरल हुआ है, ये भी मैं चाहता हूँ कि, और ये सब फिल्म्स जो हैं ये छोटे पर्दे में, शॉर्ट फिल्म्स डिजिटल, इट्स नॉट बिग पर्दा, छोटे फिल्म में कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड लॉट ऑफ माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स, लॉट ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे हैव लव्ड this kind of thought which I'm taking care of. Whose opinion will be the most important for you? Everybody's opinion, yeah. It should be like, where are you trying to hit, Sumit? Sumit. Where are you trying to hit? Sumit, आपको मैं इसका आंसर देता हूँ राजा, आपका ओपिनियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ of course. आपका especially. It's, you know, it's not about, I'm waiting for any celeb to react or any big person to react. I want a auto rickshaw also, wala also to tell me. Like one of my waiters I know, my waiter that day told me कि sir आपकी एक film मैं ऐसे YouTube में गया और आपकी एक film, आपने बेटी एक film बनाई है क्या, वो आप हैं? बोला हाँ।
अरे कितनी अच्छी फिल्म है। तो एक वो जो वेटर ने मुझे बोला ना, वो बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे, कि यानी कि पिक्चर वायरल हो रही है, एक वेटर भी देख रहा है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान देख रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई वॉन्ट टूडे। थैंक यू सुमित, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, लेट्स स्टार्ट दिस मूवी।